अच्छा अतीक जेल में था तो इसके गैंग को चलाता कौन था उसकी बीबी गोली चलाती थी उसको टॉप क्लास का रिवाल्वर और थी पिस्टल रखने का शौक था एके सैतालीस रखने का शौक था सबसे बड़ा जिहादीन तो वो है सबसे बड़ा आतंकवादी तो वो है पति मर गया बेटा मर गया देवर मर गया सब कुछ लूट गया लेकिन वो चेहरा देखने नहीं आई अपनी इज्जत बचाने के लिए छत्रानिया जौहर आग में कूद गई सीखो हमारे इतिहास से हमारी बीरंगना कैसी होती थी हमारी औरतें कैसी होती थी गेंग को फिर सक्रिय करना है कितनों भी बाबा मारते रहे और तरह से काटते रहो खून जमीन पर गिरता रहेगा पैदा होते रहेंगे वह बची रहेगी तो फिर पैदा कर लेगी उसके हाँ। पास है पाकिस्तान से संबंध है ही अतीक का जिस तरीके से हत्या कर दिया गया और उसके भाई का हत्या कर दिया गया पुलिस के घेरे में इसे आप कैसे देखते हैं सही हुआ कि गलत हुआ सही हुआ गलत हुआ सही हुआ सही हुआ तो क्या नहीं सही हुआ मतलब पुलिस के घेरे में किसी की मौत हो जाए ये सही हो तो पुलिस अच्छा एक बात बताइए आ यहाँ गोली चलने लगे तो आप क्या करेंगे पुलिस का काम है ना बचाना पुलिस के हाथ में भी राइफल तो आप आप पुलिस को अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं है उसके अपने जान का कोई मतलब नहीं है पुलिस का जान नहीं होता है हाथ वह हा, हाड़ मांस का होता है कि पत्थर का होता है कि लोहे का होता है पुलिस उसके बीवी बच्चे होते हैं कि नहीं उसका घर परिवार होता है कि नहीं उसका होता है होता है कि नहीं उसके लिए कभी ये लोग बोले अरे कोई बोले ना बोले लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि जो हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस दौरा के इनकाउंटर कर देती है लेकिन उस दिन तो भाग रहे तो वही काम कर रही थी भाई सुनिए वो जैसे मान लीजिए कि जब गोली चलने लगा आज आज तेजस्वी की पुलिस कहाँ भाग गई वो भी तो पुलिस है ना है। उसको अलग से ट्रेनिंग दिया गया क्या या चोरवा पुलिस सिर्फ पैसा कमाना जानती है दारू का पैसा कमाना और इनको पहुँचाना यही ना कहेंगे नहीं। वो तो डंडा देख के भाग रही है हमारी पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने देखिए पुलिस भी क्या करती है जाके कहीं जगह देखती है जहां से वो काउंटर फायर करे भी पुलिस को यही ट्रेनिंग दिया जाता है अपने को बचाते हुए कोई सुरक्षित जगह जा पहुंचे लेकिन यह कांड ही पंद्रह सेकेंड में हो गया और जो थे वो हथियार हत, डाल दिए फेंक दिए और हाथ उठा रहा ऊपर करके सरेंडर सरेंडर बोल दिए तो क्या करे अब कोई सरेंडर कर रहा है तो संविधानिक बात है कि सम। अगर कल गोली चला देती वो पुलिस तब यही दोगले लोग यही लोग कहते कि अरे वो तो सरेंडर कर दिए थे फिर उनके ऊपर गोली चलाने की असंविधान की हत्या फिर लोकतंत्र की हत्या अब उनके नाम पे कि ब्राह्मण था तो देखो एक दलित था तो एक पिछड़ा था इन तीनों की हत्या उत्तर प्रदेश पुलिस जो बच्चे सरेंडर कर दिए थे हथियार डाल चुके थे उनकी हत्या कर दी बात दोगलापंथी समझ रहे हैं ना ये दोगलापंथी कल से शुरू हो जाता है क्योंकि वह लोग कानून का पालन करते हुए अब वो घटना तो अच्छा, घट गई जैसे वो तीनों बालक जो है आ, फायर करने के बाद जय श्री राम का नारा लगा देने लगता हाँ। है तो ज, इसे ज, ज, जब जय श्री राम का नारा लगाता है तो जो मैसेज जाता है जो और दल के लोग हैं जो बीजेपी को छोड़कर और जो दल है वो कहती है भगवा आतंकवाद तो क्या इससे सिद्ध नहीं होता है कि गोली चलाने के बाद जय श्री राम बोला गया भगवा आतंकवाद हो गया ये भगवा आतंकवाद हो गया तो कसाव भी तो आया था कलावा पहन के यही तो कांग्रेस की देन है यही तो ये यह लोग सब करना, कहना चाहते हैं भगवा आतंकवाद समझ रहे हैं ना हम अब मोदी जी कभी इस तरह की बात करते हैं गोरक्षकों पर भी बोले हैं जितनी बातें हैं हमेशा वो अपने लोगों को ही डांटते रहते हैं यह समर्थन कर रहे हैं आज सारा विपक्ष एक अपराधी के साथ खड़ा है कोई उस पुलिस वाले के साथ खड़ा नहीं है पुलिस वाले के साथ खड़ा है तो कोई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्यों समझ रहे हैं किसी तरह से इस सौ करोड़ हिंदुओं को बदनाम करना है इनको जय श्री राम के नाम पे वो जानबूझ देखिए जय श्री राम कह देने से हो सकता है कि उनको ट्रेनिंग दिया गया हो सिखाया गया हो ये ये तो बात की बात है वो खुलेगा राज खुलेगा वो आने वाले दिनों में बताया जाएगा इसलिए कि इसमें गुड्डू मुस्लिम का भी नाम आ रहा है और गुड्डू मुस्लिम ही इनको भेजा है।, है ये प्री प्लांट है, है। गुड्डू मुस्लिम और इसकी पत्नी है। धन्य है वो पत्नी उसको उस पर भी मैने भारत में हिंदू का मुकाबला कभी कोई मुसलमान करेगा हिंदू की पत्नी होती चाहे जो कुछ भी कलेजा फट जाता पति मर गया बेटा मर गया देवर मर गया सब कुछ लूट गया लेकिन वह चेहरा देखने नहीं आई सबसे बड़ा आतंकवादी तो वो है सबसे बड़ा जिहादीन तो वो, है।, है, कि वो एक, एक की है रोते रोते छे छे, छे पाती मैंने पूरा उस आज आज तक उसके आंखों से आंसू नहीं सूखा जबकि वो किसी कांड में नहीं गया है समझ रहे दोनों के अंतर में एक तरफ अपने पति के मरने पे अपने बेटे के मरने पे चेहरा देखने नहीं आती कौन उसको बचा रहा जब पुलिस देखेगी तो इनकाउंटर कर देगी कहीं इस डर से ना आई हो कैसा इनकाउंटर जौहर पति की अपनी इज्जत बचाने के लिए इज्जतिया जौहर आग में कूद गई तुम कौन हो भाई और तुम बात करते हो ये मुसलमान बात करते हैं सीखो हमारे इतिहास से हमारी वीरांगनाएं कैसी होती थी हमारी औरतें कैसी होती थी चैलेंज कर रहा हूं है ना इतिहास में जौहर व्रत सजा दिया जाता था उसमें कूद जाती थी पति अपनी इज्जत बचाने के लिए पति अगर मर गया तो उसमें कूद जाती थी ये क्या है यही है ना सच्चाई गलत कह रहा हूं तो बताइए यही इतिहास से सीखा आज भी औरतें इस तरह से कर जाती हैं डर कहते हैं पुलिस के डर से वो सामने नहीं नहीं है। वही असली एजेंट है अच्छा अतीक जेल में था तो इसके गैंग को चलाता कौन था होगा कोई सरगना होगा लोग उसकी बीबी गोली चलाती थी उसको टॉप क्लास का रिवाल्वर और थी पिस्टल रखने का शौक था एक एक सैंतालीस रखने का शौक था ये हम नहीं कर रहे हैं टी वी पर दिखाया गया है असली आतंकवादी वही है असली जहादन वही है सगर सारा कांड कराने वाले गुड्डू मुस्लिम और उसकी बीवी ही कराए हैं असली कांड वही कराए हैं गेंग को फिर सक्रिय करना है कितनों भी बाबा मारते रहे, रक्त बीज के तरह से काटते रहो खून जमीन पर गिरता रहेगा पैदा होते रहेंगे वह बची रहेगी तो फिर पैदा कर लेगी उसके पास है पाकिस्तान से संबंध है ही वही राज तो खुलने वाला था जो वह गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया और सच्चाई खुलने वाली थी तू मार दिया गया आने वाले दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है तो अब नहीं लग रहा है कि पूरे गिरोह तो अब समझिए कि सब मिट्टी में मिल ही गया है अब योगी बाबा को सा गिरो जो अतिक चला गया उसका भाई चला ही गया अरे? उसके बेटे सब, चला ही गया ये सब मोहरे थे भाई इसकी बीबी गैंग चलाती थी तो क्या चाह रहे आप इसके बीबी का इनकाउंटर हो इनकाउंटर हम नहीं चाह रहे हैं लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो वो है ही नहीं यहाँ इस देश में है ही नहीं देश छोड़ के चली गई कौन ले गया कौन पासपोर्ट की व्यवस्था कर करा है कौन वीजा की व्यवस्था कर इस देश में नहीं है वो है? वो किस दल की सदस्य थी नहीं है मतलब नहीं है भाई तो कह सकते हैं। हम कह रहे हैं गारंटी के साथ कह रहे हैं देख लीजिएगा टीवी पे आएगा पहुंच गई अल जजीरा टीवी चैनल कतर जो पूरा यू जो अरब वर्ल्ड है ना असली गेंद तो वहां से चल रहा है ना यहां का जितना दाढ़ी और ये हैं सब वहां से जुड़े हुए हैं कोई भारत से संबंध नहीं है सारा फरमान आता है सिर्फ शुक्रवार को ये सीधे सीधे कह रहा हूँ मैं लाछन लगा रहा हूँ सारा नेक्स हर एक व्यक्ति वो एक आध उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो राष्ट्रवादी हैं जो कलमा और नमाज नहीं पढ़ते जो मुसलमान है ना वो असली भक्त है वही असली मुसलमान है भारत की संस्कृति से प्रेम करते हैं उनके लिए खेल तो लग रहा है कि जैसे अतीक का दो नाबालिग बेटा बाल सुधार गिरी में है तो उसे पुलिस जब तक गिरफ्तार करी है तो अतीक की जो पत्नी है वो एक तो लेडीज है माँ की ममता माँ की ममता जो है उसे खींच के लाएगी अपने बेटे को देखने के लिए तब तो वो पति के लिए नहीं आई और बेटा के लिए आ जाएगी सब मर जाएंगे तो भी नहीं आएगी और फिर वह खड़ा कर देगी गैंग जो जो मारा है उससे बदला लेना है कल अली क्या बोला था जेल में क्यों नैनी से उसको प्रतापगढ़ चें चेंज करना पड़ा ये सब नेक्सस है भाई साहब अभी खुलना बाकी है देखिएगा ये फिर गैंग खड़ा हो जाएगा वो नए नए लड़के हैं पैसा चाहिए बड़ा अपराधी बनना है खत्म कैसे किया जा सकता है पूरी तरीके से ये जो माफिया गिरी चल रहा है इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए इसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ेगा बड़े जमीन पे। पर... इसमें कुछ अधिकारी भी हैं जो इस गुड्डू मुस्लिम था ना इसका यह अतीक का पहला आदमी नहीं है इसके पहले वो मुख्तार का आदमी था वो पूरा इस देश में जितने बड़े बड़े माफिया हैं सबके नेटवर्क में है वो और सब मिलके उसको बचा रहे हैं उसका संबंध बिहार के भी कुछ माफियाओं से है और वह जेडीयू के नेता हैं लोग कहना नहीं चाहिए देख लीजिएगा, वो आएगा सब सब खुलेगा तो ये इसीलिए दर्द है कि हमारा भंडा ना फूट जाए हम लोग इसमें न लपटा जाए इसीलिए तो बचाया जा रहा है उसको उसकी बीबी किस दल की पार्टी है किस दल की सदस्य है पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है इसी तरह के लोगों को इस समुदाय कुछ लोग जो योगी जी के उसका मांग करता हैं कि आप जो है मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ दीजिए आपसे लो, लो एंड ऑर्डर नहीं संभलेगा चुनाव करा लीजिए अभी 2024 में चुनाव है ना जनता क्या चाह रही है वो बता देगी कहने की जरूरत नहीं है यह माइक लेके चले जाइए आम लोग जो होता है ना जो सिर्फ बटन दबाता है यह मत दिखाइएगा दिखाइएगा तो नहीं बोलेगा क्या करिए कि मोबाइल का वो ऑन कर लीजिए कैमरा और उससे बतियाइए ना कि जोगी बहुत बाउर है कैमरा ऑन कर लीजिए देखिए वो क्या बोलता है और तब इस चैनल पर डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा आम आदमी से इस तरह से माइक और कैमरे पर नहीं बोलेगा उसको नहीं है मतलब लेकिन वह बटन दबाता है बड़ी तेज सुबह लाइन लगाता है बहुत तेज बिना खाए सुबह लाइन बूथ पे पहुंच जाता है बहुत तेज उससे वो उससे जाके पूछिए वो बताएगा मतलब आएंगे योगी पक्का योगी और मोदी रोका रोका नहीं जा सकता है यह बुलडोजर की कार्रवाई और तेज करनी पड़ेगी और अभी दहशत मचाना पड़ेगा इनके जड़ को काट देना पड़ेगा अच्छा योगी जी को अब क्या करना चाहिए ताकि शाइता जो है अतीक की जो पत्नी है वो आ जाए पुलिस के सामने अपना वो कर दे सरेंडर कर दे देखिए पुलिस लगी हुई है पुलिस लगी हुई है लेकिन यह अब मामला दूसरे तरफ चला गया है इसमें एन आई हो गया है जब से पाकिस्तान का हथियार जो पंजाब में आता था पंजाब से यहाँ आता था उस चक्कर में अब इसमें एन जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आ गई है तो अब इसमें अब अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं उनको भी लगा दिया गया है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब खुल के बाहर आएगा चुनाव 2024 से पहले आपको कुछ बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे